हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। देख रहे हैं ये सनफ्लावर क्या कंडीशन हो गई है। सुबह में पानी अच्छा खासा दिया था मैंने, और अभी देखो फिर भी इसकी हालत कैसी होगी। बिल्कुल मुरझा गए हैं सारे के सारे। वैसे सिर्फ ये जट्रोफा सही चल रहा है, ये भी सही चल रहे हैं, मगर इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है सनफ्लावर की। सनफ्लावर की बहुत हालत ख़राब हो जाती है। ये तो देखिए बोगनवेलिया की भी सूख रही है हालत बहुत ज़्यादा, एकदम पत्ते सब मुरझा गए हैं गर्मी की वजह से। बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। सुबह में पानी लगाओ, शाम को बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं प्लांट, स्पेशली सनफ्लावर तो बहुत ख़राब हो जाते हैं। देखिए आप ये सभी सनफ्लावर देखिएगा, जबकि मैं सुबह पानी लगा के गई थी, बहुत बुरी कंडीशन है। ये देखिए सब सूख गए, मुरझा गए, ये भी मुरझा गई है, ये स्वीट पोटैटो वाइन। धूप पड़ी बहुत तेज़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, धूप बहुत तेज़ हो रही है, हालत ख़राब कर दे रहे हैं प्लांट की, यहाँ तक कि इसके फूल भी सब मुरझाए हुए से हैं। देख रहे हैं आप, ये पता नहीं कब मानसून आएगा। ये भी गर्मी की वजह से इनकी भी कंडीशन ख़राब हो रही है। देखिए आप, अभी सीड पॉट भी नहीं बन रहा है इनमें, पता नहीं क्यों सीड पॉट पता नहीं कब तक बनेंगे, कब तक आएंगे सीड इनमें। देखिए इस टाइप के हो जा रहे हैं, सीड नहीं बन पा रहे हैं। ये देखिए इसमें भी सीड पॉट नहीं बन रहे हैं। फ्लावरिंग हो रही है मगर छोटा साइज हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है और पानी इतना इनफ नहीं हो पा रहा है। और हमारे यहाँ तो मोटर में भी पानी नहीं आ रहा था, सुबह बहुत हल्का हल्का पानी आ रहा था, तो बहुत बुरी कंडीशन हो रही है अभी प्लांट की। देखिए हनी कितने आराम से रसा स्वादन कर रही है, बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। देखिए सभी सनफ्लावर की हालत ख़राब हो गई, ये तो बिल्कुल ड्राई हो गया है, पता नहीं कि एकदम से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई तो ये ड्राई हो गया है। तो इसके मैं सीड, ये वाला बस टूटेगा, बाकी तो किसी में सीड नहीं होंगे, तो इसे ही निकाल लेती हूँ, बस इसे ही कट करके निकालूँगी। बाकी तो फिर भी सही चल रहा है, सनफ्लावर पर ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। ये देखिए देखिए ये हिबिस्किस सही चल रहा है, मगर सनफ्लावर बहुत बुरी कंडीशन में है। ये देखिए ये भी सनफ्लावर, देखिए कितनी बुरी कंडीशन में है। सनफ्लावर पे ज़्यादा अटैक होता है गर्मी का। ये देखिए स्थल कमल भी थोड़े से मुरझाए हुए हैं, लटके हुए से हैं ये है। तो इनकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब ही हो रही है। ये पर्सनल वगैरह भी धूप की वजह से, गर्मी की बिल्कुल रेड हो रहे हैं एकदम से। यहाँ पर पूरे सुबह से लेकर शाम तक की धूप रहती है ये, इधर तब भी थोड़ी इनकी छाया हो जाती है, ये मधुकामनी और इन सब की। बस ये हिबिस्किस देखो कितने अच्छे से खिल रहा है, वाइट वाला देख रहे हैं आप, ये बहुत प्यारे फूल खिल रहे हैं। सदाबहार भी सही चल रहे हैं यहाँ धूप में भी, मगर इसकी भी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है लेमन की। ये देखिए पत्ते इस तरह के, जब इसे धूप लगती है ना तो इसके फोल्ड हो जाते हैं पत्ते, इस तरह से गर्मी की वजह से। और इसकी भी कंडीशन ख़राब हो गया, जिसमें पानी भी नहीं लगा था, सुबह पानी आ नहीं रहा था इलायची में, तो ये ख़राब सा हो रहा है बिल्कुल। और लगभग सभी प्लांट की कंडीशन बहुत बुरी हो रही है। देखिए तो वेट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि बारिश आ जाए, मगर नहीं आ पा रही है। पत्ते सब ड्राई हो रहे हैं, देखिए एक ही दिन में इनकी कंडीशन ख़राब हो गई है। और ये देखिए स्टार वाइन, इसकी भी कंडीशन ख़राब हो रही है। देखिए ये रेड पत्ती है, बिल्कुल ब्राउन पत्तियां हो रही हैं इसकी, वरना इसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं, और ये पीली सी पत्तियाँ होने लगी हैं। इनमें अभी तो फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है, पता नहीं कि फूल कब तक आएंगे जाने। बहुत वेट कर रही हूँ कौन सा कलर निकलेगा, वाइट या पिंक। एक ये चल रही है, ये वाली फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ये देखिए एक ये वाली है, ये मॉर्निंग ग्लोरी है, ये हाइब्रिड वाली है, देखते हैं कौन सा कलर निकलता है। गुलदाउदी ये नीचे रखे हुए तो तब भी चल रहे हैं, वरना ये भी सूख जाते फूल, नीचे की साइड में इसकी छाया पड़ती है पूरी तरह से, तो ये सही से चल रहे हैं। और ये भी थोड़ी सी शेड में रखी हुई है मिर्ची, तो ये भी चल रही है। देखिए ड्राई भी होने लगी है, रेड होने लगी है। धूप वास्तव में बहुत पड़ रही है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिल्कुल उमस और अजीब सी कंडीशन हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगी भैया, अपने अपने प्लांट का ध्यान रखो, पानी दोनों टाइम दो। मैं तो दोबारा आप शाम को नहीं दूँगी, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं है देने की प्लांट को पानी। तो
ये देखिए पानी चढ़ भी नहीं रहा है हमारे ऊपर, बिल्कुल मोटर में ऊपर पानी आ भी नहीं पा रहा है। तो ये हिबिस्किस थोड़े से आड़ में रखे हुए तो इसलिए अच्छे से खिल रहे हैं, चल भी रहे हैं, सुबह में खिले थे खूब। जीनिया भी देखो कैसा अजीब सा हो रहा है, गर्मी की ही वजह से पानी नहीं लग पाया था सुबह ठीक से। ये देखिए एक तो ये ड्राई होके ख़त्म ही हो गया ये वाला, ये सनफ्लावर तो इसे भी निकाल ही दूँगी। इसकी देखिए वाइट मेरा ही बिस्किस है ये वाला, ये वाइट डॉटेड है, तो ये भी अजीब से ही हो रहे हैं फूल, बिल्कुल अजीब सी ब्रांचें हो रही हैं। तो इसको भी थोड़ी बारिश हो जाएगा तो मैं इसकी भी प्रून कर दूँगी, थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर दूँगी और इसके प्लांट्स कटिंग तैयार करके लगा दूँगी। तो ये देखिए इसकी भी कंडीशन से, ये सब गर्मी की वजह से हालत ऐसी ख़राब हो रही है इनकी, इक्का दुक्का फूल खिल रहा है अभी गर्मी में, वरना फूल ही नहीं खिल रहे थे बिल्कुल। ये देखिए बारिश का पानी लग जाए तो ये प्लांट ऐसे जैसे चल जाए, बहुत थकान भी हो जाती है अब इनमें। तो मैं सोच ही रही हूँ कि इनको थोड़ा सा अलग कर दूँ, निकाल दूँ। ये देखिए तुलसी, मैं ये गुलाब कम कर दूँगी कि गुलाब बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये देखिए कितने बड़े तेज़ी से बढ़ रहा है ये प्लांट, ये कैक्टस देख रहे हैं आप, ये देखो ये अजीब सी ब्रांच ये वाली निकल रही है, तो इसे कट करना होगा, कितनी बड़ी हो गई ये ब्रांच। सब प्लांट सूख रहे हैं गर्मी की वजह से, पानी का इंतज़ार कर रहे हैं मानसून का, बारिश आए, मगर आ ही नहीं रही है बारिश। है देखिए सब फूल सूखे हैं, खिले और सूख गए, सदाबहार के भी पत्तियाँ सारी मुड़ गई हैं, सूख गई हैं, देख रहे हैं आप ये। तो इनकी भी कंडीशन ख़राब ही हो रही है। ये गुलाब तो बिल्कुल रिपोर्टिंग के लिए हो गया, मुझे ये लग रहा है ये रिपोर्टिंग ही होगी, एक दो बारिश हो जाए तो रिपोर्ट कर दूंगी। देखिए रिपोर्टिंग का सर, ये देख रहे हैं आप, ये रिपोर्ट होते इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो मैं वही सोच रही हूँ इसके रिपोर्ट कर दूँ सारे, जैसे ही बारिश हो एक आध तो मैं रिपोर्ट कर दूँ, वरना मेरे प्लांट अगर अभी कर दूँगी तो अभी मर जाएंगे, एक आध बारिश हो जाए तभी मैं रिपोर्ट करूँगी। ये वंडरिंग जियो, ये भी थोड़ा सा अजीब सा ही कलर हो रहा है इसका, है देख रहे हैं आप, ये अजीब सा कलर हो रहा है इसका। तो फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ भी मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।